हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नम शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बलबीर कोट्स चैनल में। प्रिय भक्तगण, महादेव कहते हैं कि सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का भाव चलाता है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। भाग्य कुछ नहीं है, आप जो मेहनत करते हैं उसका परिणाम है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। याद रखना, एक रात पहले पढ़कर आप परीक्षा तो उत्तीर्ण कर सकते हो मगर प्रथम नहीं आ सकते। सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना करना तो डट कर देखना, समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित निष्ठावान होना पड़ेगा। वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। हम सभी के पास सामान्य योग्यता नहीं है लेकिन हमारे पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए समान अवसर है। झूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जिले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी। खुद ही मेरे दोस्त मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर, चाहे जितना मोटिवेशनल शायरी पढ़ ले। लेकिन कामयाब होने की जो प्रेरणा रिश्तेदारों के कानों से मिलती है वह किसी और से नहीं मिल सकती। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती बल्कि यह हमारी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं उठना सीखो। अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं राह का निर्माण करना सीखो। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम समय पर वाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तहान बाकी है। अभी अभी तो लगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जमीन में तूफान का आना भी जरूरी है क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ साथ चलता है और कौन साथ छोड़ जाता है। कठिन रास्तों से कभी न घबराएं क्योंकि कठिन रास्ते हमेशा खूबसूरत मंजिल की ओर लेकर जाते हैं। न कोई कठिनाइयां न कोई तकलीफ तो क्या मजा है। जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में जिन्होंने मुझे ठुकरा दिया। मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें। वक्त लेकर अपनी समस्याओं की पहचान खुद करें, दूसरे तो उलझन पैदा करेंगे। दिखावे के लिए तो हर कोई जीता है। जिस समय हम किसी का अपमान करते हैं उसी समय हम अपना सम्मान भी खो देते हैं। आप कभी हार सकते हैं जब आपको लगता है कि आप जीत नहीं सकते। बुरा वक्त बताकर नहीं आता लेकिन बहुत कुछ सिखा कर जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा तो जरा आप ही सोचो।
हमसे नहीं होगा तो भला किससे होगा। सफलता की वह ऊंचाई किसी अभिशाप से कम नहीं जो इंसानियत और दया भाव खोकर प्राप्त की गई हो। दोस्तों, राजा की तरह जीने के लिए पहले गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम सपनों को सोच सकते हैं तो उसे हकीकत में भी बदल सकते हैं। इंसान को कभी भी घमंड और अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने जाने कितने अभिमानी लोगों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया है। चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। अपनी तारीफ तो हर कोई खुद से कर सकता है, लेकिन जब लोग आपकी तारीफ करने लगे तो समझ जान आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाहर से नहीं। अगर आप हार पर भी मुस्कुराते हैं तो यह आपकी जीत से कहीं बढ़कर है, जो सामने वाले की जीत को फीकी कर देती है। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। हमें आने वाले कल से अपने आप अच्छे होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि आज की गई मेहनत और तैयारी उसे अच्छा बना सकती है। मुश्किलों से डरकर भाग जाने से कहीं बेहतर है उसका डटकर मुकाबला करना। जो डरते हैं उन्हें कभी सफलता हासिल नहीं होती। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं, मीठे तो है न, बाद में नमक लगा के खाते हैं। आपका आज का परिणाम आपके अतीत के किए हुए कर्म है। भविष्य बेहतर बनाना है तो आज के फैसलों को बदल लो। भरोसा रखना खुद पर, यहाँ तक आए हो तो आगे भी जाओगे। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं, या तो चुनौतियों से जमकर लड़ूं या फिर खुद के ऊपर डर हावी हो जाने। दो हर परिस्थिति में यदि आप खुश रहते हैं तो आपके बुरे चाहने वाले के लिए यह एक सजा है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे नफरत कभी न करें, क्योंकि वही तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। कभी भी जीवन के फैसले जल्दबाजी से नहीं करना। जल्दबाजी में अक्सर फैसले गलत रास्ते भी चुन लेते हैं। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो जीवन भर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन नाम कमाना पैसे कमाने से कहीं बेहतर है। जब आप खुद नहीं कर सकते तो एक चीज जरूर करें प्रयास। वैसे दुनिया में सलाह देने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन मुसीबत के वक्त आपका खास ही आपके साथ होता है जो आपको दिल से चाहता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई न कोई पंख काटने जरूर आएगा। जिंदगी काफी तेजी से आगे बढ़ती रहती है, और अगर आप थोड़े समय के लिए भी रुके तो जमाने से पीछे छूट जाओगे। क्या फर्क पड़ेगा, तुझे दुख के सागर में डूब जाने से कल का सूरज तो अपने समय पर ही उगेगा। गरजने वाले बादल बरसा नहीं करते, इसलिए कहिए मत बल्कि करके दिखाइए। सच्चे हो तो सफाई भी अधिक देनी पड़ेगी। जिनके विचार सुंदर होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कभी देखा है क्या गलत सोच वालों को इतिहास बनाते हुए।
अगर आपके जीवन का लक्ष्य है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर समय पर बुरी आदतें न बदली जाएं, तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। व्यक्ति जितना छोटा होता है उसका घमंड उतना ही बड़ा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कल को किसने देखा तो कल का क्यों इंतजार करना, जो करना है अभी से शुरू कर देना बेहतर होता है। सफलता की प्राप्ति चाहते हो तो जिद करना भी सीख। कठिनाइयों से ही हमारे जीवन के ढेरे की परीक्षा होती है, इसमें ही आपके अंदर की सामर्थ्य का पता चलता है। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीनों में मिलती है। जो लोग अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं असल में वही लोग सही से जीवन जी पाते हैं। अपनी जिंदगी को सिर्फ स्वयं बदल सकते हो और ये कार्य आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। चोरी, निंदा और झूठ, ये तीनों बातें चरित्र को नष्ट कर देती हैं। भले ही चाहे कितनी असफलता मिल जाए लेकिन कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना। गलत रास्ते पर चलने के बजाय असफल होना कहीं बेहतर है। जिसे हारने से डर लगता है वह पूरी जिंदगी डरता ही रहता है। कर्तव्य और कर्म जिसके साथ है बस समझो जीत उसके पास है। खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। बनना है तो खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगार भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। गलत लोगों की जीत उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। आपको बोलना ही है तो सबके सामने बोलो क्योंकि पीठ पीछे तो सब बोलते ही हैं। जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार आगे होकर चलने का हौसला जरूरी होता है क्योंकि हिम्मत और बुलंद हौसले वाले इंसान का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं। एक राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे। वे अपनी बुद्धिमता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमता के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। एक दिन उस राजा के राज्य ने पंडित जी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। पंडित जी दरबार में पहुंचे। राजा ने उनसे कई विषयों पर गहन चर्चा की। चर्चा समाप्त होने के पश्चात जब पंडित जी प्रस्थान करने लगे तो राजा ने उनसे कहा, पंडित जी आप आज्ञा दें तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। पंडित ने कहा, पूछे राजन। राजा ने पूछा, आप इतने बुद्धिमान हैं पंडित जी, किंतु आपका पुत्र इतना मूर्ख क्यों है? राजा का प्रश्न सुनकर पंडित जी को बुरा लगा। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजन, पंडित जी आपके पुत्र को यह नहीं पता कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है। राजा बोला, यह सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे। सबको यूं हंसता देख पंडित जी ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया, किंतु वे बिना कुछ कहे अपने घर लौट आए और घर पहुंचने पर उनका पुत्र उनके लिए जल लेकर आया और बोला, पिताश्री जल ग्रहण करें। उस समय भी सारे दरबारियों की हंसी पंडित जी के दिमाग में घूम रही थी। यह अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने जल लेने से मना कर दिया और बोले, पुत्र जल तो मैं तब ग्रहण करूंगा जब तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दोगे। पुत्र बोला, पूछे पिताश्री। पंडित जी ने पूछा, ये बताओ कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? पुत्र ने पटाख से उत्तर दिया, सोना अधिक मूल्यवान है। पुत्र का उत्तर सुनने के बाद पंडित जी ने पूछा, तुमने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, फिर राजा तुम्हें मूर्ख क्यों कहते हैं? वे कहते हैं कि तुम्हें सोने और चांदी के मूल्य का ज्ञान नहीं। पंडित जी की बात सुनकर पुत्र सारा माजरा समझ गया। वह उन्हें बताने लगा,
पिताश्री, मैं प्रतिदिन सुबह जिस रास्ते से विद्यालय जाता हूँ उस रास्ते के किनारे राजा अपना दरबार लगाते हैं। वहाँ ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। मुझे वहाँ से जाता हुआ देख राजा अक्सर मुझे बुलाते हैं और अपने एक हाथ में सोने और एक हाथ में चांदी का सिक्का रखकर कहते हैं कि इन दोनों में से तुम्हें जो मूल्यवान लगे वो उठा लो। मैं रोज चांदी का सिक्का उठाता हूँ। यह देख वे लोग मेरा परिहास करते हैं और मुझ पर हंसते हैं। मैं चुपचाप वहाँ से चला जाता। पूरी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, पुत्र, जब तुम्हें ज्ञात है कि सोने और चांदी में से अधिक मूल्यवान सोना है तो सोने का सिक्का उठा कर ले आया करो। क्यों स्वयं को उनकी दृष्टि में मूर्ख साबित करते? तुम्हारा कारण मुझे भी अपमानित होना पड़ता है। पुत्र हंसते हुए बोला, पिताश्री मेरे साथ अंदर आइए, मैं आपको कारण बताता हूँ। वह पंडित जी अंदर के कक्ष में ले गया। वहाँ एक कोने पर एक संदूक रखा हुआ था। उसने वह संदूक खोलकर पंडित जी को दिखाया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। वह संदूक में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। पंडित जी ने पूछा, पुत्र ये सब कहाँ से आया? पुत्र ने उत्तर दिया, पिता, श्री राजा के लिए मुझे रोकना और हाथ में सोने और चांदी का सिक्का देखकर वह प्रश्न पूछना एक खेल बन गया है। अक्सर वह खेल मेरे साथ खेला करते हैं और मैं चांदी का सिक्का लेकर आता हूँ। उन्हीं चांदी के सिक्कों से यह संदूक भर गया है। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन ये खेल बंद हो जाएगा, इसलिए मैं कभी भी सोने का सिक्का नहीं उठाता। पंडित जी को पुत्र की बात समझ तो आ गई, किंतु वे पूरी दुनिया को यह बात बताना चाहते थे कि उनका पुत्र मूर्ख नहीं है, इसलिए उसे लेकर वे राजा के दरबार चले गए। वहां पुत्र ने राजा को सारी बात बता दी कि वो जानते हुए भी चांदी का सिक्का क्यों उठाता है। पूरी बात जानकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोने के सिक्कों से भरा संदूक मंगवाया और उसे पंडित जी के पुत्र को देते हुए बोला, असली विद्वान तो तुम निकाले दोस्तों। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपने सामर्थ्य का दिखावा मत करो, कर्म करते चलो। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप कितने सामर्थ्यवान हैं। उस दिन आप सोने की तरह चमको और पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। शर्त है, वह है निरंतर प्रयास करना और नित्य नियमों का पालन करना और इन प्रयासों को जारी रखने के लिए अटूट संकल्प शक्ति का होना। संकल्प शक्ति और निरंतर प्रयास, यह दोनों बातें किसी भी कार्य की सफलता की पहली शर्त है, अनिवार्य है। जब इसी संकल्प शक्ति के साथ निरंतरता के साथ हम भगवान की भक्ति करते हैं, नित्य को समय उनका जप करने में लगते हैं, उनका नाम ध्यान करने में लगते हैं, तो जीवन में कई बार असंभव सी लगने वाली चीजें भी संभव हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में यह पांच लक्षण अवश्य होते हैं। यह पांच घटनाएं ऐसे व्यक्ति के संग अवश्य घटित होती हैं, जिनमें पहला लक्षण है कि ऐसे व्यक्ति को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, कष्ट भी आते हैं और उसको उसके प्रयासों में असफलता भी लगती है। यह ईश्वर प्राप्ति का पहला चरण है जिससे गुजर कर हर भक्त को जाना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, भगवान की भक्ति में अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, बार बार असफलता मिल रही है, तो इनके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करनी है। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, अपने प्रयासों को छोड़ना नहीं है। विशेषकर भक्ति के शुरू के जो 34 साल होते हैं उसमें ऐसा कुछ ज्यादा होता है।
भक्ति के मार्ग में जब आप चलते हैं तो एक कार्य आपका सफल होता है, लेकिन वही कुछ अन्य परेशानियां, अन्य बाधाएं आपके सामने आ जाती हैं। और यह जो स्थिति है इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, जिन नकारात्मक ऊर्जा होने आपको घेरा हुआ है वह बेचैन होने लगती है, वह नहीं चाहती कि आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े, आप आध्यात्मिक उन्नति करें, क्योंकि आपके अंदर की जो नकारात्मक सोच है, आपके अंदर के जो भी नकारात्मक विचार है या विकार है, वही तो इनका भोजन है, उन्हीं के ऊपर तो यह बुरी शक्तियां पनपती हैं। तो जब आप भगवान भक्ति में समय देते हो तो आपके अंदर दैवीय ऊर्जा प्रवेश करती है और बुरी शक्तियां चयन होने लगती हैं, क्योंकि उनका जो भोजन है, जो आपके विकार है, वह खत्म होने लगते हैं, इसलिए वह आपको रोकती है सद्मार्ग पर चलने से। दूसरा, आपके संकल्प की, आपकी भक्ति की परीक्षा होती है। इन परेशानियों से, इन परीक्षाओं से आप मजबूत बनकर उभरते हैं या वही रुक रुक जाते हैं, ऐसे आपके आत्मबल की परीक्षा होती है। इसके साथ ही कुछ कार्मिक बंधन आपके होते हैं, प्रारब्ध हमारे होते हैं जो कट रहे होते हैं, हमारे पाप कर्म नष्ट हो रहे होते हैं, इसलिए सब कष्ट भी आते हैं और परीक्षाएं भी होती हैं। जो लोग इस सत्य को समझ जाते हैं, इस सत्य का बोध जिन्हें हो जाता है, अपने दुखों का सही कारण जब यह लोग समझ जाते हैं और तब वह अपने प्रयासों को निरंतर करते हैं, भगवान की प्राप्ति के प्रयासों को निरंतर करते हैं। और एक समय आता है कि जब यह सारे आपके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, आपके कार्मिक बंधन कट जाते हैं और तब जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। दूसरी चीज जो ऐसे व्यक्ति के संगठित होती है कि जो भी पाठ ऐसा व्यक्ति नियमित रूप से करे, जो भी मंत्रादि करता है, वह सिद्ध हो जाते हैं। व्यक्ति को विशेष सिद्धियां बिना मांगे देवी कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, कोई भी विशेष सिद्धि के लिए जब साधक लोग प्रयास करते हैं तो संकल्प उठाते हैं, 21 दिन का, 41 दिन का संकल्प उठाते हैं और तब प्रयास करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा संकल्प है, सर्वश्रेष्ठ संकल्प है, वह है कि हम हर दिन निश्चित समय किसी देवी या देवता के नाम समर्पित कर दे, अपने दत्त के, अपने गुरु के नाम समर्पित कर दे और नित्य उनके मंत्रों का जाप करें, उनकी स्तुतियां करें, तो यह सबसे बड़ा संकल्प है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है तो जिस भी देवी देवता का वह स्मरण करता है, जिसकी भी आराधना करता है, उस देवी देवता की ऊर्जा का एक अंश ऐसे व्यक्ति के अंदर अवश्य ही प्रवेश करता है, उसके साथ हमेशा रहता है और उस देवी देवता का आशीर्वाद हमेशा ऐसे व्यक्ति पर बना रहता है। दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है जो लंबी लंबी साधना को करने से प्राप्त होती है। ऐसी सिद्धियां व्यक्ति को सहज ही बिना मांगे ही प्राप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी सिद्ध होती है, जो भी वह बोलता है वह सत्य हो जाता है। तीसरी घटना जो ऐसे व्यक्ति के संग होती है, जो नित्य ईश्वर का स्मरण करता है, कि उसके आसपास का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। न सिर्फ उसके स्वयं के अंदर सकारात्मक देवीय ऊर्जा प्रवेश करती है, बल्कि आसपास के अन्य लोग भी बहुत सकारात्मक हो जाते हैं। जिस घर में नित्य ईश्वर के नाम की जो जलती है, उनके नाम का स्मरण हो है, वहां कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं टिकती, क्योंकि नित्य जाप से दैवीय ऊर्जा उस घर में इतनी रबल हो जाती है कि कितनी भी प्रचंड नकारात्मक ऊर्जा है, कितनी भी प्रचंड बुरी शक्तियां हैं, उनका नाश होता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है, उसके पास उस देवी देवता की शक्ति सहज होती है, उसकी
रक्षा करती है और उसके पूरे परिवार की रक्षा करती है। चौथी घटना जो ऐसे व्यक्ति के संग होता है कि कार्य स्वयं ही बंद लगते हैं, सोचा हुआ पूरा होने लगता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति निरंतर भगवान के स्मरण में रहता है वह सत्कर्म करता है, वह सदीक्षा को रखता है, सद्भाव उसके अंदर होते हैं, सात्विक भाव होते हैं। तो इसलिए जो देवी शक्तियां हैं वह ऐसे व्यक्ति की मदद करती है। स्वयं के हित के साथ साथ ऐसा व्यक्ति दूसरों के हित के लिए भी इच्छा रखता है, तो व्यक्ति के कार्य स्वयं ही बनने लगते हैं और आने वाले जीवन में ऐसा व्यक्ति सफल होता है, उन्नति को प्राप्त होता है। पांचवा बड़ा लक्षण जो व्यक्ति के संगठित होता है कि देवी कृपा से भविष्य की घटनाओं का ज्ञान होने लगता है। और किसी भी व्यक्ति को जब आप देखते हैं या किसी स्थान विशेष में आप जाते हैं, तो वहां की ऊर्जा, उस व्यक्ति की ऊर्जा का आभास पहले से ही हो जाता है। कोई भी व्यक्ति सामने आता है तो उस व्यक्ति को देखकर आपको यह आभास हो जाता है कि व्यक्ति की सोच क्या है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। किसी स्थान पर जाकर यदि वहाँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो उसका आभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है, यह सकारात्मक ऊर्जा है, दैवीय ऊर्जा है, तो उनका भी आभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। क्यों होता है? क्योंकि निरंतर भक्ति से जो हमारा पीनियल एंड है, जो आज्ञा चक्र है, वो सक्रिय हो जाता है, जो कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, ऐसी हमारी आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा हुआ होता है। ये चक्र, इसके अलावा हमारे जो भी और चक्र है वो बैलेंस हो जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं। उन चक्रों के जो भी ब्लॉकेजेस है वो दूर होते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण चक्र है, हमारा हृदय चक्र, हार्ट चक्र, वो निर्मल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर देवी ऊर्जा होस होता है। जो भी विकार वाले भाव हैं, गलत भाव है, गलत सोच है, वह सब खत्म हो जाते हैं। तो जब हमारा हृदय ही प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, ईश्वरीय प्रेम से, तो हमारे आसपास जो भी घटता है वो ईश्वरीय ऊर्जा से ही घटित होता है, ईश्वरीय आदेश, ईश्वरीय प्रेरणा से ही घटित हो होता है। तो दोस्तों, ईश्वर प्राप्ति का जो सर्वश्रेष्ठ और सरलतम मार्ग है वह नित्य प्रयास करना, नित्य ईश्वर में ध्यान लगाना। तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, बिन मांगे इतना कुछ मिल जाता है ईश्वरीय कृपाओं से कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। असंभव चीजें संभव हो जाती है। शिव महिमा से कोई व्यक्ति अछूता नहीं है। और इसी चमत्कार को चित्रित करने के लिए यह कहानी। एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिक्री हेतु छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। और उन्हीं दुकानों में एक दुकान ओंकार की थी, वह शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बैठा करते थे। उसका बेटा कार्तिक, जो कि केवल 8 वर्ष का था, हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता आया था। ओंकार अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। ओंकार की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से कार्तिक को ओंकार ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी जिंदगी बहुत मजे से चल रही थी। लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटाई जाएंगी। इसका सीधा मतलब था, जिसकी स्वयं की जमीन होगी वही यहाँ धंधा कर सकता था। ओंकार अपने घर में पूजा कर रहा था।
जैसे ही उसे यह बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंदिर परिसर की वह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने बेसुध होकर लेट जाता है। ओंकार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह शिव भगवान से कहता है, क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ प्रभु? क्या मैंने कोई पाप किए थे? कुछ देर बाद ओंकार शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारों को दुकान से सामान खाली करने के लिए एक दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउड स्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होता रहता है। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ीकरण करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी जमीन में दुकानें बनाने की इजाजत दे दी थी, लेकिन मीनू को लीज पर दिया जाना था और लीज की रकम लगभग जमीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि ओंकार की पहुंच से बाहर थी। ओंकार दुकान के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता था, इसलिए वह लीज पर जमीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और दो ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करवाने का नोटिस मिलता है। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमाकर जोड़े थे, इसलिए उसके पास लगभग आधी राशि तो उपलब्ध थी, इसलिए वह दो दिन के अंदर 35% रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है। ओंकार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, हमें यह जमीन कुछ भी करके लेना होगा, मेरे पास आधे ही पैसे हो पा रहे हैं, बाकी पैसों के लिए हम बैंक से लोन ले लेते हैं। कार्तिक उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। ओंकार अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन देता है। बैंक प्रबंधक उससे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं, जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। ओंकार इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था, वह यहाँ पहली बार आया था। ओंकार हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर में हाथ रख कर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक लगाए पहुंचता है। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देता है और ओंकार से पूछता है, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। ओंकार अपनी समस्या उसके सामने रख देता है। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपको गारंटी देता हूँ, मेरा भी खाता इसी बैंक में है। यह बात सुनते ही ओंकार के चेहरे में चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज लेकर बैंक के अंदर दोबारा चल देता है। ओंकार अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होते कि ओंकार को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और जमीन का पंजीकरण करवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा कराने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही ओंकार को जमीन दे दी जाती है। दो दिनों के अंदर ओंकार लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। ओंकार दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति स्थापित करता है और इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का टेंशन खाए जा रहा था। ओंकार की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंचा करते थे।
वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खिंचे पूरे हो सके। ओंकार परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आते हैं जिन्होंने बैंक में उसे लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही ओंकार अपनी दुकान में बैठने को कहता है और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता है। और जैसे ही वह व्यक्ति ओंकार से उसकी दुकान के हाल चाल पूछते हैं, तो वह अपना दुखड़ा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे रखे देख ओंकार से कहते हैं, तुमने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है? उनके लिए छोटा सा मंदिर बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। ओंकार उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। 12 महीने के अंदर ओंकार की हालत बदतर होने लगती है। वह कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना हमेशा से देता आया था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। ओंकार को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बना लो। तभी ओंकार कुछ मजदूरों को बुलाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो रहा होता। और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं, तो वह दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा होता है, और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं, तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका आकार बहुत विशाल था और इसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग निकालते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूर दूर से लोग वहां शिवलिंग देखने पहुंच जाते हैं। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकालते ही खनिज विभाग के लोग उसे जब्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मूर्ति निकालने की वजह से ओंकार की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगने लगते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव जन्मभूमि का अंश समझने लगे थे। महिमा ने ओंकार का जीवन बदल दिया था। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओम नाम शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं, तो बलवीर कोच चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।